तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैं बताया था कि Xiaomi का 48 MP वाला एक फ़ोन आने वाला है जो कि जनवरी में लॉन्च होगा। तो आज और कुछ बहुत सारे फ़ोन के बारे में यहाँ पे लीक्स आए गए हैं। जी हाँ, टेनर सर्टिफिकेशन के अंदर ये लीक्स आए हैं, उनका जो हार्डवेयर टेस्ट होता है वो दिखाया गया है। तो ये फ़ोन के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, टेक पॉइंट के और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि बताया कि जनवरी के अंदर 48 MP वाला फ़ोन एक आने वाला है Xiaomi का, और अगर उसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो आपको इन स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप चाह जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैं इससे पहले उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। आज हम बात करेंगे रेडमी के 7 सीरीज के बारे में। जी हाँ, रेडमी 6 सीरीज तो लॉन्च हो चुका है, तो उसी तरह कुछ फ़ोन लीक्स होकर आ चुके हैं टेनर सर्टिफिकेशन के अंदर। उनका क्या कुछ स्पेशल जो पता है उसके बारे में बता दूंगा, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये हो सकते हैं रेडमी 7, 7A एंड रेडमी 7 प्रो। तो आज हम बात करें रेडमी 7 प्रो के बारे में, क्योंकि 7A और 7 के बारे में कुछ पता नहीं है, सिर्फ मॉडल नंबर है। तीनों का मॉडल नंबर आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, तो तीनों का मॉडल नंबर तो पता है लेकिन स्पेशल वाइज कुछ ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन सब में आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल सकता है, और 7 प्रो, बेसिकली हम 7 प्रो के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो डिज़ाइन पता चला है वो 7 प्रो के बारे में हो सकता है, 7 प्रो ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ड्यू ड्रॉप वाला डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। जी हाँ, जैसे कि ओप्पो में, रियलमी 2 प्रो में और वीवो के फ़ोन में बहुत सारे में आपको देखने को मिलता है, उसी तरह का आपको यहाँ पे ड्यू ड्रॉप वाला, जैसे कि बाकी चाइनीज मेकर में आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी ड्यू ड्रॉप वाला डिस्प्ले मिल सकता है। डिस्प्ले की साइज़ की बात करें तो 5.84 इंच का यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलेगा जो कि FHD+ वाला डिस्प्ले होगा। उसके बाद पीछे की तरफ कैमरे की बात करते हैं, तो पीछे की तरफ जो डिज़ाइन दिख रहा होगा आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, तो पीछे की तरफ आपको वर्टिकल कैमरा सेंसर मिलेगा। जी हाँ, 2 कैमरा का सेटअप मिलेगा, नीचे की तरफ आपको फ्लैश मिलेगा और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि पीछे की, अगर आप फोटो भी देखें तो पता चलेगा कि पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट मिलेगा। तो ये बाकी जो उसका डिजाइन है रेडमी 6 प्रो डिजाइन है उसी तरह का मिलेगा आपको, लेकिन सिर्फ इसमें अलग क्या होगा, यहाँ पे आपको ड्यू ड्रॉप वाला नॉच मिलेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्ले में ऊपर नॉच मिलेगा जो ड्यू ड्रॉप, जो कि आपको रियलमी 2 प्रो में देखने को मिलता है, उसी तरह का दिखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ पता चल रहा है, तो बैटरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेशन अंदर पता चला है वो है 2900 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि Redmi 6 Pro में आपको मिलता है सेम ही सेम यहाँ पे मिलेगा, और प्रोसेसर के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है और प्राइस डिटेल्स के बारे में कुछ बताया नहीं गया। इतना बताया जा रहा है कि जनवरी महीने के अंदर ये सब आपको देखने को मिल सकता है, और इंडिया में शायद से आते आते मार्च हो सकता है, लेकिन जनवरी महीने के अंदर ये लॉन्च हो सकता है। तो बस दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो था Redmi का 7 Pro के बारे में, और इस तरह का छोटी वीडियो मैं क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मैं टेक न्यूज़ नहीं बनाता। अगर आप चाहते हैं टेक न्यूज़ देखने के लिए तो कमेंट सेक्शन लिख देना, मैं टेक न्यूज़ बनाता हूँ, क्योंकि बहुत पहले मैं टेक न्यूज़ बनाता था, एक दिन में सब जितने खबरें थे सब दे रहा था, लेकिन उसमें क्या होता है ज़्यादा व्यू नहीं मिलता, कोई देखता नहीं, तो मोटिवेशन नहीं होता है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है, जिसके बारे में मैं सोचता हूँ कि आपको जानना चाहिए, वो वीडियो आपको लेके आता हूँ। जैसे कि रेडमी सीरीज का 7 है, ये सबको पसंद है रेडमी सीरीज, तो इसके बारे में जानना जरूरी था, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना दिया। और आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको रेडमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और इस तरह वीडियो और देखना है और टेक न्यूज़ भी देखना है तो कमेंट में लिख देना। अगर इस तरह वीडियो और देखना है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बारे में कुछ जानना है तो जैसे बता दिया कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे टेक पॉइंट यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।